गौरसेना की ओर से 19 जून को बस स्टैंड दारवा पर दोपहर 12 बजे रास्ता रोको धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने विमुक्त जाति ए के आरक्षण वर्ग में बोगस भमटा राजपूतों की घुसपैठ को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बोगस भमटा राजपूताना में जाली जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी राष्ट्रव्यापी मातृभूमि भेदभाव उन्मूलन समिति ने इस आंदोलन का समर्थन किया है और राज्य के गौर बंजारा समुदाय सहित कुल 14 जाति जनजाति को मुक्त जाति ए और 13 अन्य जाति जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में शामिल है यह प्रश्न समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव राठौर ने पूछा था। तालुका प्रशासन की ओर से गौरसेना की मांगों के बयान को स्वीकार किया गया। तहसीलदार कुमरे पुलिस निरीक्षक कुलकर्णी ने धरना स्थल का दौरा किया और बयान भेजने का वादा किया। सरकार से अवलिम मांगों को लेकर करीब एक घंटे बाद धरना वापस लिया गया और सड़क यातायात सुचारू रूप से शुरू की गई। तर आज 19 जुलै रोजी या दारवाईतील बसस्टँडवर गोरसेनेच्या वतीने आज येथे रास्ता रोको आंदोलन हे पुकारण्यात आलं आणि इथे प्रशासनाला वेठी धरण्याचं कारण म्हणजे आपणास माहीत असेल किंवा नसेल, परंतु हा जो या राज्यामध्ये जो खेळ चाललेला आहे की विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विमुक्त जाती अ या प्रवर्गामध्ये 14 जाती जमातीचा समावेश असून केवळ या समाजातील 3.5% आरक्षण लाटण्यासाठी बोगस भामटा राजपूत या नावाची थोडतोड करून या आरक्षणावर गदा आणण्याचं काम या राज्यामध्ये चालू आहे। तर यापूर्वी गोरसेनेने वारंवार निवेदन दिल्या मोर्चे काढलेत, परंतु शासनाकडून कुठल्या प्रकारचा प्रतिसाद मिळालेला नाही। आणि चिखली बुलढाणा येथील महिला आमदार श्वेता महाले यांनी सांगितलं की भामटा हा शब्द आम्ही हटवून टाकणार, जर त्यांनी हा शब्द हटवला तर या 14 जाती जमातीवर अन्याय होणार आहे आणि गोरसेनेला खरोखर आज एक राष्ट्रव्यापी मातृभूमी भेदभाव निर्मूलन समितीचा राष्ट्रीय अध्यक्ष नात्याने मी त्यांना पाठिंबा देत आहे, परंतु विचार हा आहे की इतर ज्या 14 जाती आज झोपलेल्या आहेत फक्त गोरसेना रस्त्यावर येऊन आंदोलन करत आहे, तर अशी वेळ येऊ नये की त्या 13 जाती जमातीच्या विरुद्ध सुद्धा गोरसेनेला आंदोलन करण्याची पाळी येऊ नये। हेच मी आज सांगू इच्छितो। जय शेवालाल, जय संविधान, जय मानवता, जय एकसेना। ब्युरो रिपोर्ट, BCN न्यूज।